लेकर विचित्र स्थिति बनी हुई है प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में कुछ राहत और दे दी गई है अब भी कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है लोग लापरवाही बरतते हुए बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना का प्रादुर्भाव तेजी से फैलता जा रहा है वही दूसरी ओर कोरोना का प्रादुर्भाव तेजी से फैलता जा रहा है लोगों को बेड के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं इसी बीच पिछले 24 घंटे के भीतर अट्ठावन लोगों की जान चली गई। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है अब भी अधिकांश मरीज गंभीर अवस्था में भर्ती हो रहे हैं इन दिनों प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीज की हालत गंभीर होने ऐसी उन्हें सरकारी अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला शुरू हो गया है डॉक्टरों का कहना है की अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है नया होने से इतने जल्दी असर कर रहा है कि मरीजों को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है स्थिति यह है कि अब सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड के लिए वेटिंग करना पड़ रहा है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पान से बी न्यूज नागपुर